मराठा साम्राज्य का उदय का कारण क्या था, इसका भक्ति आंदोलन का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद ही मराठा साम्राज्य का उदय हुआ और मराठा साम्राज्य का सबसे महान शासक छत्रपति शिवाजी महाराज थे और मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान मराठा शक्ति का उदय हुआ। मराठों की शक्ति को तीन भागों में विभक्त किया गया था। कितने भागों में बांटा गया था? मराठों की शक्ति को तीन भागों में बांटा गया था। ठीक है, अब बात के पहला जो सह्याद्री जो पर्वत था, जो दक्षिण तटवर्ती का जो भाग सह्याद्री जो पर्वतीय क्षेत्र था, तीसरा था पूर्वी मैदान जो पहाड़ों तथा जंगली क्षेत्र था। इसका सह्याद्री के जो तटवर्ती जो क्षेत्र था पूर्ण कोकण व पर्वतीय क्षेत्र में मालवा का नाम से जाना जाता था। देखिए, जो मराठा शक्ति थी, मराठा शक्ति का जो उदय का मुख्य जो कारण था कि उसका जो भौगोलिक क्षेत्र था, भौगोलिक क्षेत्र की जो परिस्थिति थी, वो मूल रूप से मराठवाड़े के तीन क्षेत्रों से विभागों में विभक्त थी। पहला जो इसका क्षेत्र था सह्याद्री जो पर्वत था और दूसरी ओर दक्षिण तटवर्ती भाग था और तीसरा था उसका पूर्वी मैदान थे जो पहाड़ी तथा जंगलों से क्षेत्र था। सह्याद्री जो के तटवर्ती क्षेत्र में कोकण तथा पर्वतीय क्षेत्र का को मालवा के नाम से जाना जाता था। यहाँ कृषि के क्षेत्र कृषि करना कठिन कार्य था और प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण मराठा के साहस, कठोर परिश्रम, आत्मसंयम गुणों का विकास हुआ और अपने जीवन या आजीवन चलाने के लिए उन्होंने मराठों में लूटपाट का सहारा लेते थे। मराठा का की एकता का भावना जगाने के लिए उन्होंने मराठी भाषा को सार्वधिक योगदान रहा। देखिए, जो मराठे थे उनके अपने जीवन की आजीविका कमाने के लिए उन्होंने लूटपाट का सहारा लिया। इसके साथ साथ क्या हुआ कि मराठों की आपसी जो भेदभाव जो बात थी, बोलचाल के जो लैंग्वेज द कम्युनिकेशन स्किल का जो क्षेत्र था, उनके अधीन जो मराठी भाषा थी उसका मेन योगदान रहा है, क्योंकि मराठी भाषा में एक दूसरे से बातचीत करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भक्ति आंदोलन में जो संत हुए हैं, उनके जो फेमस संत हैं भक्ति आंदोलन में, ज्ञानेश्वर जी महाराज कौन से हुए? ज्ञानेश्वर जी, संत ज्ञानेश्वर। ए प्रीति, जो उस समय भक्ति आंदोलन में संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, रामदास की शिक्षाओं का मराठा साम्राज्य था, इसका उदय में सहयोग माना जाता है। और इस बात करें, ये संत जाति प्रथा के विरोध में कार्य करते थे, जाति प्रथा का विरोध करते थे, स्थानीय मराठी भाषा का में उपदेश देते थे तथा शिवाजी के गुरु रामदास महाराष्ट्र धर्म में सर्वधर्म धर्म प्रचारक थे कि इस प्रकार ये संत थे, अपनी मराठी भाषा में अपना जो धर्म का प्रचार करते थे। और जो शिवाजी के गुरु थे रामदास जी, वह महाराष्ट्र धर्म का प्रचार किया था उन्होंने। अब बात करते हैं मोडी लिपि उस लिपि का नाम है जिसका प्रयोग 1950 तक महाराष्ट्र की प्रमुख भाषा मराठी लिखने के लिए किया जाता था। मोडी शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द के शिकस्त से हुई है, जिसे शिकस्त का अनुपात का अर्थ जोड़ना या मोड़ना, जिसे हेम दंपत या हेमाद्री पंडित या महादेव यादव या रामदेव यादव के शासनकाल में 1260 में या से 1309 तक इसे विकसित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी का जो भाग है कि दक्षिण की राजनीतिक स्थिति में मराठी जो मराठों में रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। दक्षिण की राजनीति की स्थितियों में मराठा का उत्थान में सहयोग रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बहमनी, जो राज्य था हमारा बहमनी राज्य के विखंडन तक मराठों ने अनुभवी एक लड़ाकू जाति के रूप में
के रूप में ख्याति प्राप्त किए जा चुके थे, उस समय तक ख्याति प्राप्त लड़ाके हो चुके थे। अब बात करते हैं सर्वप्रथम मुगलों के विरुद्ध संघर्ष। अहमदनगर में वहाँ के प्रधानमंत्री मलिक अकबर ने मराठों के सहयोग प्राप्त किया तथा मराठों को अपनी सेना में शामिल किया और शिवाजी के पिता शाहजी भोसले अहमदनगर की सेना में शामिल किया। फिर वह बीजापुर के सूबेदार हो गए और 1620 में शाहजी जी जहांगीर ने सेवा में चले गए और इस प्रकार से जहांगीर काल के दौरान मराठों ने पहली बार मुगलों की सेवा में आए और मुगल बादशाह शाहजहां ने शाहजी को 5000 मनसब प्रदान किए और परंतु शीघ्र ही शाहजी ने मुगलों का साथ छोड़ दिया और पुनः अहमदनगर में आ गए और 23 जनवरी 1664 ईस्वी में शाहजी की मृत्यु हो गई। इनके जो मराठा साम्राज्य का उदय का जो कारण रहा है वो भारतीय इतिहास में या ईसाई इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इतिहास का एक महान योगदान रहा है कि उदय के कारण प्रमुख कारण कौन से हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मराठों का उदय का कोई एक घटना नहीं है बल्कि विभिन्न घटनाएं हैं जिनके आधार पर मराठा साम्राज्य के उदय को सम्मिलित किया जा चुका है। इन कारकों में से मराठा के जो क्षेत्र हैं भौगोलिक स्थिति रही हैं, यहाँ की भक्ति आंदोलन से रहे हैं, औरंगजेब की जो नीतियों का योगदान रहा है, वहीं शिवाजी के चमत्कारिक व्यक्तित्व तथा उनका उदय का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अब बात करते हैं मराठा जो साम्राज्य है इसके उदय के जो मुख्य कारण कौन कौन से रहे। सबसे पहले भौगोलिक स्थिति रही है क्योंकि मराठा साम्राज्य तीन ओर से नदियों किनारे थे, दो ओर से तीन ओर से खुला मैदान था और जंगल थे। औरंगजेब की जो नीतियाँ थीं ये इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। नेक्स्ट हम बात करें भक्ति आंदोलन, तुकाराम थे, नामदेव थे, ये इनके बहुत बड़े जो संत हुए हैं, उन्होंने अपनी मराठी भाषा का विशेष तौर पर योगदान दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी का जो भाग हमारा रहा है उनका योगदान रहा है। हम बात करते हैं कि जो ज्योग्राफिकल जो ओरिजिनल है भौगोलिक जो क्षेत्र है, महादेव रानाडे की जो पुस्तक आई थी द पावर ऑफ मराठाज पावर, ठीक है, द राइज ऑफ मराठाज पावर, उन्होंने की जो पुस्तक लिखी है मराठावाड़े के उबड़ खाबड़ तथा भौगोलिक क्षेत्र को उदय का उन्हें प्रधान माना गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण जो रहा है कि भौगोलिक भक्ति आंदोलन का प्रभाव रहा है, इन्फ्लुएंस ऑफ द भक्ति मूवमेंट्स, इसमें मराठा के इतिहास में संपूर्ण माना गया है। ठीक है, 14वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन में मराठों के उदय का महत्वपूर्ण रही है। मराठों के संत एक ही भाषा में अपना उपदेश देते थे, वह भाषा मुख्य रूप से 14वीं शताब्दी में जो भक्ति आंदोलन था मराठों के उदय का महत्वपूर्ण कारण रहा है। मराठों के जो संत हुए हैं वो एक ही भाषा का प्रयोग करते थे, उस भाषा का नाम था मराठा। जो मराठी भाषा थी वो केवल महाराष्ट्र में बोली जाती थी और एक विभिन्न प्रकार के राष्ट्र को जोड़ की भावना उत्पन्न हुई। इसमें जो उनके गुरु उनके सार्थक शिष्य रहे हैं गुरु रामदास जी, दास बोध नामक उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका शिवाजी के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। आज महाराष्ट्र में जो मराठा साम्राज्य का महान जो शासक हुए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज हुए हैं और इस प्रकार जो साम्राज्य मराठा साम्राज्य के तीन महत्वपूर्ण कारण थे भौगोलिक क्षेत्र, भक्ति आंदोलन तथा औरंगजेब की नीतियाँ। तो मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।